इधर सरकारी प्रबंध की विधानसभा समिति गिरिडीह पहुंची। समिति के सभापति सह जमशेदपुर विधायक सरयू राय ने गिरिडीह जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में डीआरडीए निदेशक आलोक कुमार, अपर समाहर्ता विल्सन भेंगरा, उपनगर आयुक्त समेत कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सरयू राय ने गिरिडीह जिले में अधिकारियों के कामकाज को लेकर असंतोष जताया। सरयू राय ने राज्य में ईडी की कार्रवाई को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि राज्य में जारी भ्रष्टाचार की जड़ें पूर्ववर्ती सरकारों से शुरू हुई है, लेकिन ईडी की कार्रवाई वर्तमान सरकार के खिलाफ नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में हुए पत्थर घोटाला, शराब घोटाला, इन सभी मामलों में ईडी वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रही है, लेकिन इन सभी की जड़ें पूर्ववर्ती सरकारों से शुरू होती है। झारखंड विधानसभा में सरकारी लोक उपक्रमों संबंधी एक समिति है, उस समिति का दौरा था ईडी जिले का। उसमें संबंधित जो कॉरपोरेशन है उनके अधिकारियों को हमने बुलाया था, साथ में जिन विभागों का कॉरपोरेशन है उन विभागों के अधिकारी भी थे। मोटा मोटी हम लोग इसी निष्कर्ष पर पहुँचे कि जो ऊर्जा विभाग के कुछ नियम हैं, निगम हैं, उन निगमों को छोड़कर बाकी सभी सरकारी निगम एक निगम की तरह काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि सरकार के विभाग की तरह काम कर रहे हैं। और निगम का काम चलाने के लिए सरकार ने ही प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर अपने अधिकारियों को भी वहाँ पर नियुक्त कर दिया है। कि हम लोगों ने खनिज विकास निगम की समीक्षा में देखा, जितने डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर हैं सभी के सभी प्रतिनिधि हैं वहाँ पर। उसके बाद झारखंड राज्य खाद्य निगम को देखा, वहाँ तो 100% कर्मी केवल कंप्यूटर ऑपरेटर को छोड़ दीजिए तो सबसे सब सरकार के ही कर्मचारी हैं। तो इस तरह से इन निगमों की जो प्रासंगिकता है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। जब सरकार को ही करना है तो भाई एक सफ़ेद हाथी के रूप में निगम की स्थापना का क्या औचित्य है? तो समिति ने जो अनुभव किया है यहाँ और जिलों में, उस अनुभव के आधार पर हम लोग विधानसभा के अध्यक्ष को प्रतिवेदन देंगे। उसके पहले